हेलो गाइस दिस इज़ प्रीति शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर है वो फिफ्थ है प्रीवियस लेक्चर में हमने आई नेमिंग के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था आज हम नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे विच इज़ थ्योरीज फॉर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल एंड लिगेंड के बीच में नेचर ऑफ बॉन्डिंग को थ्री थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं देअर आर थ्री थ्योरीज टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज वो तीन थ्योरीज कौन कौन सी है फर्स्ट आती है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको वीपी टी भी बोला जाता है सेकेंड थ्योरी आती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सी एफ टी थर्ड थ्योरी आती है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एम ओ टी इसको लीगेंड फील्ड थ्योरी भी बोला जाता है अब इन तीनों थ्योरीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट नेचर था बॉन्डिंग का मेटल एंड लीगेंट्स के बीच में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल एंड लीगेंस के बीच में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल एंड लीगेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल एंड लीगेंट्स के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है अब इन थ्योरीज को हम डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन शुरू करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ एजम्पन्स देख लेते हैं सबसे पहले एजम्पन में फर्स्ट एजम्पशन बॉन्डिंग से रिलेटेड है मेटल के पास वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे लीगेंट्स के पास फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं अब यहाँ पे लीगिन की टेंडेंसी क्या होगी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है और यहाँ पे कौन से टाइप की बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी कॉर्डिनेट बॉन्ड की ठीक है कॉर्डिनेट बॉन्ड अब मेटल या मेटल आयन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हुआ मेटल आयन क्या है या फिर मेटल क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर मतलब ये किसकी तरह एक्ट करेगा ये एक्ट करेगा लुइस एसिड की तरह एंड लीगेंट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर तो ये एक्ट करेगा लुइस बेस की तरह नेक्स्ट एग्जाम्पन क्या है कि इनकी ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ठीक है मतलब यहाँ पे कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स है एम एल फोर कॉर्डिनेशन नंबर क्या है अगर ये मोनोडेंटेट लिगेंट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे फोर होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है तो फोर के लिए ज्योमेट्री टेट्रा हीडल हो सकती है या फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकती है ठीक है अब टेट्रा हेडल है या स्क्वायर प्लेनर है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल के ऊपर डिपेंड करता है कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ठीक है मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से फाइंड आउट कर सकते हैं तो वीपीटी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मूवमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर हाइब्रिडाइजेशन एंड जोमेट्री ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं रिलेटेड टू ईच अदर हैं नेक्स्ट एक्जाम्पन आती है लीगेंस के ऊपर लीगेंस पेयर डोनर हैं मतलब इनके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर तो प्रेजेंट होना ही चाहिए डोनेशन के लिए वीपीटी के अकॉर्डिंग लीगेंट्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लीगेंट दूसरा आता है वीक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लीगेंट्स तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन पे डोनर को आप स्ट्रॉन्ग पेयर लीगेंट बोल सकते हो एंड वीक फील्ड लीगेंट बोल सकते हो अब यहाँ पे कुछ आपको बातें ध्यान में रखनी होंगी कि कौन से लीगेंट्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट होते हैं और कौन से लीगेंट वीक फील्ड लीगेंट होते हैं तो इनको याद कैसे कर सकते हो सी में हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर आपको ऑर्डर अच्छे से पता लग जाएगा वीपीटी में देखो आप इनको याद कैसे रखोगे जो भी कार्बन कंटेनिंग लीगेंट होते हैं वो स्ट्रोंगेस्ट होते हैं क्या होंगे वो स्ट्रोंगेस्ट होंगे उसके बाद आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग लीगेंट्स आएंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंट स्ट्रांग लिगेंट में मान लो उसके बाद हमारे पास आएंगे ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगेंट जो मॉडरेट होंगे देन आपके पास आ जाएंगे हेलोजेंस हेलाइड्स जो वीक फील्ड लिकेंड होंगे ठीक है अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लीकेंट के अगर हम एग्जांपल्स देखें यहाँ पे तो एग्जांपल्स में आ सकता है आपके पास सी एन नेगेटिव सी ओ फिर इसके बाद सी सिक्स एच फाइव नेगेटिव सी एच थ्री नेगेटिव नाइट्रोजन कंटेनिंग लीगेंट्स में आपके पास अमोनिया आ जाएगा पिरीडीन आ जाएगा उसके बाद बायोपिरीडीन आ सकता है फिर इथलीन डायमाइन आ सकता है मॉडरेट में ऑक्सीजन कंटेनिंग लीगेंट होंगे तो यहाँ पे एच टू ओ एच टू ओ ओ टू नेगेटिव ये वाले लीगेंट्स आ सकते हैं वीक फील्ड लीगेंट्स में सारे हेलाइट्स होंगे एफ नेगेटिव सी एल नेगेटिव बी आर नेगेटिव ठीक है तो इससे आप एज्यूम कर सकते हो कि कौन से इससे आप पता लगा सकते हो कि कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है कौन से वीक फील्ड लीगेंट है अब जो स्ट्रोंग फील्ड लीगेंट होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की बस ये भी ध्यान रखना जो स्ट्रोंग फील्ड लीगेंट होंगे जो स्ट्रोंग लीगेंट्स होते हैं Legands होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेंगे एग्जाम्पल्स लेके मैं बताऊंगी ना तब आपको ये सारे एक्जशन अच्छे से समझ में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करते हैं और वीक फील्ड लीगेंट्स इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करते वीक फील्ड लीगेंट्स इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करते ठीक है ऑक्टा कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल या तो हो सकता है एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइज या हो सकता है डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइज्ड ठीक है यहाँ पे ऑक्टाहाड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हम बात कर रहे हैं तो इसके केस में आपको टू टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेंगी एक मिलेगी डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन अब इसमें कौन से डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे एन माइनस वन डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन में और दूसरी हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी आपको एस पी थ्री डी टू इसमें nd ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं मेटल आयन के हाइब्रिडाइजेशन में जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन डी टू एस पी थ्री होगी उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे हम क्या बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आती है एस पी थ्री डी टू उनको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस अब इनर ऑर्बिटल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और इनको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ठीक है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कंपेयर टू हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मोर स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ठीक है और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे फोर डी या फिर फाइव डी सी के मेटल या मेटल आन प्रेजेंट हो इसके केस में हाइब्रिडाइजेशन में इनर डी ऑर्बिटल्स यूज़ होते हैं इनर डी ऑर्बिटल अगर वेकेंट है अवेलेबल है तो यूज़ होंगे आउटर डी ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं यूज़ होते हैं क्यों नहीं यूज़ होते क्योंकि आउटर डी ऑर्बिटल्स मोर डिफ्यूज होते हैं जिसकी वजह से बॉन्डिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी नेक्स्ट एग्जाम्शन मैग्नेटिज्म के ऊपर है कि अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो हम कॉम्प्लेक्स को पैरा मैगनेटिक इन नेचर बोलेंगे पैरा मैग्नेटिक इन नेचर बोलेंगे और अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो कॉम्प्लेक्स होगा डाया मैग्नेटिक इन नेचर आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में उसके ऊपर तो ये चार्ट आपको ध्यान में रखना होगा वीपीटी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर है ये आपके पास ये क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आ रही है नेक्स्ट ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन उसके बाद ये बॉन्ड एंगल है नेक्स्ट ज्योमेट्री और ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं अब ये चार्ट आपको ध्यान में रखना होगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर टू आ रहा है दैट मींस मेटल या मेटलाइंस के टू ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन हाँगे। में हाइब्रिडाइजेशन आएगी एस पी एस एंड पी एक्स ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे ज्योमेट्री आएगी लीनियर लीनियर ज्योमेट्री के लिए बॉन्ड एंगल आएगा 180 डिग्री एग्जांपल आप चेक कर सकते हो कॉर्डिनेशन नंबर यहाँ पे टू आ रहा है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री आ रहा है उसके केस में मेटल या मेटल लाइन्स के थ्री ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइजेशन आएगी एस पी टू पी के पी एक्स एंड पी वाई ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे 120 डिग्री बॉन्ड एंगल आएगा क्योंकि ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होगी ये एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है फोर तो फोर के केस में फोर ऑर्बिटल्स चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए अब ये फोर ऑर्बिटल्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं ठीक है डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिल सकती है एस पी थ्री एस डी थ्री डी एस पी टू या फिर एस पी टू डी अब एस पी थ्री के केस में एस पी एक्स पी वाई पी जी ऑर्बिटल्स होंगे डी थ्री के, के केस में एस डी एक्स वाई डी वाई जी डी जी एक्स ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे अब इन दोनों के केस में ज्योमेट्री हमारे पास टेट्रा हेडल आएगी और बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री आएगा ठीक है अगर हमारे पास डी एस पी टू या एस पी टू डी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है तो इसके केस में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी और अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर तो कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ठीक है स्क्वायर प्लेनर के केस में अब जो भी लीगेंट्स अप्रोच करेंगे वो एक्स एक्सिस एक्सेस एंड वाई एक्सेस के थ्रू ही अप्रोच करेंगे इसलिए डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ऑर्बिटल यहाँ पे डी का यूज़ होगा हाइब्रिडाइजेशन में ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉर्डिनेशन नंबर फाइव की तो फाइव के केस में डी एस पी थ्री डी एस पी थ्री यहाँ पे जोमेट्री आ सकती है और सॉरी हाइब्रिडाइजेशन आ सकती है बट इन हाइब्रिडाइजेशन की केस में डिफरेंट जोमैट्री होगी एक ट्राइगुल ट्राइगोनल पिरामिडल हो सकती है सेकेंड स्क्वेयर पिरामिडल हो सकती है ठीक है अब यहाँ पे क्वेश्चन मेन ये बनता है कि ट्राइगोनल पिरामिडल में कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में डी जी स्क्र एंड स्क्यर पिरामिडल में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बेसिकली ये ऑर्बिटल ही क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में सी ने इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी है सी में जब डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है तो वहाँ पे स्प्लिटिंग होने के बाद जो हाइएस्ट ुपाइड uh, एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है वही यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा तो ट्राइगोनल पिरामिडल के केस में वो ऑर्बिटल हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल डीजीज क्यूर होता है और स्क्वायर पिरामिडल के केस में डीएक्र माइनस वाइज स्केयर होता है ठीक है नेक्स्ट अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स आ रहा है तो यहाँ पे आपको टू टाइप के कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस मिल सकते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस मिल सकते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस इनर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में एंड माइनस वन डी ऑरबिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस मतलब आउटर डी ऑर्बिटल्स एंड डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में इसके केस में D2 है इसके केस में भी D2 है डी के अब यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है क्योंकि डी के एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जी स्क्यर ही ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइबिटाइजेशन में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री रहेगा ठीक है यहाँ पे आपको बॉन्ड एंगल में भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है ये भी ध्यान रखना स्क्वेयर पिरामिडल तो आप देख सकते हो स्क्र पिरामिडल जोमेट्री कैसे होती है जैसे ये लैपटॉप है लैपटॉप के आप फ्रंट या बैक साइड पे एक लीगल रख दो ठीक है तो वो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आ गई अब नेक्स्ट ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स आ रहे हैं कौन से मेटल के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये आपको पता होना चाहिए तभी आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का छोटा सा छोटा क्वेश्चन भी तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है ये पता है तो ये हमने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में भी सीखा था कैसे इनको लर्न करेंगे तीजराफ विनोबिता क्रोमो मन मंतुसी फिरओस कोर हीर निकल के बाद प्लेटिनम एंड प्लेटिनम कॉपर के बाद सिल्वर एंड गोल्ड तो ये इजीली आप याद कर सकते हो अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे जैसे आयरन है आयरन के केस में अटोमिक नंबर क्या होगा इसका ट्वेंटी सिक्स होगा ठीक है तो यहाँ पे सिक्स आ रहा है तो थ्री डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिक्स होंगे उसके बाद फोर एस में टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैसे ही आयरन के नीचे आर यू एंड ओ एस आ रहे हैं तो आर यू की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन क्या होगी आउटरमोस्ट फोर डी सिक्स आ जाएगा एंड फाइव एस टू आ जाएगा इसके साथ साथ फोर पी ज़ीरो एंड यहाँ पे फाइव पी जीरो भी लिखते हैं अगर हमें ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है या हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है ठीक है अगर हम यहाँ पे लाइक वाइज एम एन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन लिखना चाहें तो यहाँ पे अटोमिक नंबर कितना आएगा ट्वेंटी फाइव आएगा तो डी में फाइव ऑर्बिट डी ऑर्बिटल में फ़ाइव इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एंड फोर एस में टू आ जाएगा ठीक है निकल अटोमिक नंबर ट्वेंटी एट है तो यहाँ पे एट डी में थ्री डी में एट इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे फ़ोर एस में टू इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है स्टेबिलिटी के लिए ये हमने बहुत ही लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं हम यहाँ पे बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उतने ही होंगे देखो अगर यहाँ पे अटोमिक नंबर क्रोमियम के केस में ट्वेंटी फोर आ रहा है ट्वेंटी फोर अटोमिक नंबर के लिए थ्री डी हम फोर नहीं लिखते यहाँ पे फाइव लिखते हैं स्टेबिलिटी के लिए एंड फोर एस वन लिखते हैं वैसे ही कॉपर के केस में भी आ, यहाँ पे थ्री डी टेन एंड फोर एस वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन आती है तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन फाइंड आउट कर सकते हो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन ईजीली फाइंड आउट कर सकते हो अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर टू के साथ शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर टू जर्नली मेटल आयंस विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन डी टेन शो करते हैं तो ये वाले जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये जर्नली लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करेंगे क्यों लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं क्योंकि यहाँ पे इनके कंपैरिजन में जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड जाएंगे ऑटोमिक साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा ऑटोमिक साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज़ हो जाएगी जिसकी वजह से लेस लीगेंट अप्रोच करेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर कम आएगा जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो इनके केस में कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा आता है इन ट्रांजिशन मेटल आयंस के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा आता है एफ़ ब्लॉक में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लेंथनाइड्स हायर कॉर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्सेस ही फॉर्म करते हैं और अगर यहाँ पर हम जी की बात करें तो ये वाला कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं बी एच फोर मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रही हूँ मैं ठीक है यहाँ पे फोर आ जाएगा और इसके केस में कोऑर्डिनेशन नंबर आता है ट्वेल्व ये हम पी ब्लॉक केमिस्ट्री में अच्छे से कर चुके हैं और अगर हम एक और एग्जाम्पल लें सीरियम एन ओ थ्री सिक्स होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर टू नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आता है ट्वेल्व अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ट्वेल्व कैसे आता है देखो एन ओ थ्री नेगेटिव जर्नली मोनोडेंटेड लीगन की तरह ही एक्ट करता है क्योंकि अगर ये बायोडेंटिड लीगन की तरह एक्ट करेगा तो फोर मेंबर्ड रिंग बनाएगा जिसकी वजह से स्टीरिक स्ट्रेन आता है बट अगर मेटल का साइज़ बड़ा हो ठीक है ये जो सेंट्रल एटम है इसका साइज बड़ा हो तो एन ओ थ्री यहाँ पे एन ओ थ्री नेगेटिव यहाँ पे एक्ट करेगा बाय लीगेंट की तरह बाय लीगेंट की तरह जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे ट्वेल्व आ जाएगा और इसके केस में क्या होता है इसके केस में अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आता है यहाँ पे थ्री हाइड्रोजन्स जो आएंगे वो ब्रिजिंग पोजीशन पे आएंगे एक हाइड्रोजन टर्मिनल पोजीशन पे आएगा तो यहाँ पे बी एच फोर के कितने यूनिट है फोर यूनिट है तो थ्री इंटू फोर यहाँ पर कॉर्डिनेशन नंबर ट्वेल्व आ जाएगा ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर सेकंड के साथ शुरू करते हैं मैंने क्या बताया कि मोस्टली डीटन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन वाले मेटल आयंस कोऑर्डिनेशन नंबर टू के कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करेंगे जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो ए यू पॉजिटिव ए जी पॉजिटिव एच जी टू पॉजिटिव सी यू पॉजिटिव सबके केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी डी टेन आएगी ठीक है ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जैसे आपके पास सी यू एन एच थ्री का होल ट्वाइस होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर टू आ रहा है और इसकी ज्योमेट्री कैसे फाइंड आउट करेंगे अब ये हम देख लेते हैं तो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर यहाँ पे हम कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें तो कॉपर आएगा यहाँ पर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्योंकि एन एच थ्री यहाँ पर न्यूट्रिगेंट है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी थ्री डी टेन फोर एस से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा फोर एस जीरो आ जाएगी लाइक वाइज इस कॉम्प्लेक्स में हम ए की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इजीली लिख सकते हैं यहाँ पे ए अगेन प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो अगर हम आ, देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन तो कॉपर के नीचे ही ए आता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन क्या आ जाएगी फोर 5s0 एंड फाइव पी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं हम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे ये डी टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई ठीक है और यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंट्स कितने हैं टू लिगेंट्स हैं तो टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी और कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में एस एंड पी एक्स ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में अब यहाँ पर लीगेंस आगे एन एच थ्री एन एच थ्री अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा यहाँ पे भी एन एच थ्री अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा एंड जोमेट्री आ जाएगी लीनियर जोमेट्री क्या आ गई लीनियर और अगर यहाँ पे देखें तो दिस इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर डाया मैग्नेटिक क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होगा ठीक है अब नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री देख लेते हैं तो यहाँ पे भी एच जी की बात करें तो एच जी यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो x माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन सो x आ गया प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में एच डी प्लस टू स्टेट में आ रहा है अब एच डी किसके नीचे आता है जिंक के नीचे आता है जिंक देन कैडमियम देन मर्करी जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिकेशन कितनी होती है थ्री डी टेन फोर एस टू तो मर्करी की कितनी होगी फाइव डी टेन सिक्स एस टू अब यहाँ पे मर्क्री प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन आ जाएगी फाइव डी टेन सिक्स एस ज़ीरो यहाँ से टू इलेक्ट्रॉन्स चले गए एंड सिक्स पी ज़ीरो ठीक है तो ये हमने टेन इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए आपको पहले हंस रूल के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होगा वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन टेन इलेक्ट्रॉन्स आगे एंड यहाँ पे थ्री लीगेंट्स हैं मतलब थ्री वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए थ्री वेकेंट ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी एस पी टू एंड उसके बाद हमारे पास आगे आई नेगेटिव आई नेगेटिव आई नेगेटिव थ्री लीगेंट्स गए ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट करने के बाद यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर जोमेट्री आएगी ट्राई गोनल प्लेनर ज्योमेट्री आ गई प्लेनर ज्योमेट्री आ गई और जोमेट्री कैसी होगी एच जी यहाँ पे आ जाएगा ये आई 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 वन ट्वेंटी डिग्री यहाँ पे बॉन्ड एंगल आएगा एंड होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है दिस इज आल्सो डायमैग्नेटिक इन नेचर अब कोऑर्डिनेशन नंबर फोर की बात करते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है कॉर्डिनेशन फोर के केस में हमने चार्ट में देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन आ सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज आ सकती हैं कॉर्डिनेशन नंबर फोर में एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन आ सकती है एस डी थ्री हाइब्रिडाइजेशन आ सकती है डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन आ सकती है एंड एस पी एस पी टू डी आ सकती है फोर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में फोर वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए अगर हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री एंड एस डी थ्री है तो इसके केस में जोमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन डी एस पी टू या एस पी टू डी है तो इसके केस में जोमेट्री होगी स्क्वेयर प्लेनर अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से कॉम्प्लेक्सेस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी एंड कौन से ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी ठीक है अब ये दो एक्जाम्पल्स हैं इनकी ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ये एम एल फोर टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं तो इनके केस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी मिल सकती है स्क्वायर प्लेन और ज्योमेट्री भी मिल सकती है ये फाइंड आउट करनी है अब आपको तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने से शुरू करते हैं एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा तो एक्स यहाँ पे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है निकल यहाँ पे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी थ्री डी एट फोर एस यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं फोर पी जीरो इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है अब यहाँ पे हमें लीगेंट चेक करना है कि स्ट्रांग फील्ड लीगेंट है या वीक फील्ड लीगेंट है अगर लीगेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड आ रहा है तब तो पेयरिंग हो जाएगी बट तो यहाँ पे हेलाइड लीगेंट है दैट मीन्स ये वीक फील्ड लीगेंट है तो यहाँ पे ये पेयरिंग नहीं होगी पेयरिंग नहीं होगी अब लीगेंट्स कितने हैं फोर लीगेंट्स हैं मतलब फोर वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए वो कौन से ऑर्बिटल हो सकते हैं फोर एंड फोर के वन टू थ्री फोर ये फोर वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी एस पी थ्री पी एक्स पी वाई एंड एस ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे क्लोराइड आयंस अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा दे इनको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा ठीक है तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई हमारे पास एस पी थ्री ज्योमेट्री क्या आएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री आएगी डेट्रा और यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स टू आए तो म्यू इफेक्टिव हम कैसे फाइंड आउट करते हैं म्यू इफेक्टिव यहाँ पे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ही फाइंड आउट करेंगे एन इंटू एन प्लस टू आ जाएगा एन हमारे पास टू है टू इंटू टू प्लस टू तो यहाँ पे आ जाएगा टू अंडर रूट टू और मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा यहाँ पे टू पॉइंट एट सेवन बोहर मैग्नेटोन बोहर मैग्नेटोन ठीक है मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ गया टू पॉइंट एट सेवन आ गया एंड यहाँ पे दिस इज पैरा मैग्नेटिक इन नेचर ये क्या है पैरा मैग्नेटिक इन नेचर है और अगर यहाँ पे हम ज्योमेट्री देखें तो कुछ इस टाइप की होगी निकल आएगा देन हमारे पास यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ रही है ठीक है सो so ये आ गई टेट्राहेड्रल सी एल सी एल सी एल सी एल एंगल कितना होगा वन ज़ीरो नाइन पॉइंट यहाँ पे सबके बीच में बॉन्ड एंगल होगा वन ज़ीरो नाइन पॉइंट ट्वेंटी एट डिग्री बॉन्ड एंगल आ जाएगा ठीक है अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं तो इसके केस में अगेन हम ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ही शुरू करेंगे न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आएगी मतलब निकल यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन कितनी होगी थ्री डी एट एंड फोर एस टू फोर पी ज़ीरो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं अब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और यहाँ से ये टू इलेक्ट्रॉन्स आ गए अब सी ओ इज अ स्ट्रोंग फील्ड लीगेंट ये क्या है स्ट्रोंग फील्ड लीगेंट है फील्ड लीगेंट है तो इसके केस में पेयरिंग हो जाएगी अब सी ओ क्या करेगा पेयरिंग करेगा ठीक है तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे ही लीगेंट अप्रोच करेंगे इसके बाद इसकी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे आ जाएगी यहाँ से और ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर भी यहाँ से पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद फोर एस के भी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ जाएंगे तो अब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई थ्री डी टेन फोर एस जीरो एंड फोर पी जीरो ठीक है अब लीगेंट फोर है तो फोर वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए तो ये हमारे पास आ जाएंगे ऑर्बिटल फोर एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन ही आ रही है यहाँ पे भी और सी ओ अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आगे एंड यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगी एस पी थ्री ज्योमेट्री आएगी और टेट्राहीडर मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा ज़ीरो क्योंकि यहाँ पे एन इज इक्वल टू जीरो है दिस इज़ डाया मैग्नेटिक इन नेचर डाया मैग्नेटिक इन नेचर ठीक है और स्ट्रक्चर तो आपका सेम ही रहेगा नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे एन आई सी एन फोर टू नेगेटिव यहाँ पे भी निकल प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आएगा प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थ्री डी एट फोर एस ज़ीरो फोर पी ज़ीरो होगी इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर लिए अब इसके बाद हमें क्या देखना है यहाँ पे कि सी एन स्ट्रोंग फिल्ड लीगेंट है अगर ये स्ट्रोंग फील्ड लीगेंट है तो यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी पेयरिंग होने के बाद क्या होगा अब मैं यहीं पे ही शो कर देती हूँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा अब यहाँ पे ये डी ऑर्बिटल जो है ये वेकेंट है ठीक है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी यहाँ पे हाइब्राइज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिल जाएंगे हमारे पास फोर ऑर्बिटल चाहिए डी एस पी टू ठीक है तो ये डी एस पी टू फोर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आ गए अब यहाँ पे सी एन नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर देंगे और डी का कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है ठीक है यहाँ पे डी का ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र हाइब्रिडाइजेशन में ये क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्री आएगी स्क्वायर प्लेनर अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आप देखते हो तो लीगेंट अप्रोच करते हैं एक्स एक्सिस से एंड वाई एक्सिस से ही इसीलिए यहाँ पे d का डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में ठीक है तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई डी एस पी टू अब देखो आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे जस्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है पेयरिंग करानी है और इसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा आ, कौन से मॉलिक्यूल या कौन से ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी डीएसपी टू हाइब्रिडाइजेशन आगी यहाँ पे जोमेट्री होगी स्क्र प्लेनर यहाँ पे भी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो ही आएगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है दिस इज आल्सो डाया मैग्नेटिक इन नेचर ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो पी डी पी पी एच थ्री होल्ड फोर यहाँ पे पी डी अब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आएगा न्यूट्रल लीकेंट है यहाँ पे ये यह निकल के नीचे आता है प्लेटिनम तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी फोर डी एट फाइव एस जीरो एंड फाइव सॉरी फाइव एस टू आएगा यहाँ पे क्योंकि ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है फाइव पी ज़ीरो आ गई इलेक्ट्रॉन्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे अब आपको और कौन सी बात ध्यान में रखनी है कि अगर मेटल 4d सीरीज़ या 5d सीरीज़ का आ रहा है तो मैंने आपको एग्ज़ाम्शन्स में ही बताया था कि यहाँ पे सारे लीगेंट्स ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट की तरह एक्ट करेंगे और यहाँ पे जब मेटल 3d सीरीज़ का सॉरी uh, 4d सीरीज़ एंड 5d सीरीज़ का हो तो यहाँ पे पेयरिंग होगी ही होगी 4d एंड 5d सीरीज़ में आप पेयरिंग करवाओगे ठीक है तो यहाँ पे पेयरिंग कराने के बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ये आगे एंड ये वाले जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी डी ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे यहाँ पे ये यह आगे ठीक है और अब इलेक्ट्रॉन्स सॉरी लीगेंस कितने हैं फोर लीगेंट्स हैं तो फोर वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए तो ये आगे फोर वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और वन टू थ्री फोर एंड यहाँ पे ये फोर लीगेंस होंगे जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन अब यहाँ पे देखो वेकेंट ऑर्बिटल्स कौन से हैं सिर्फ एस एंड पी ऑर्बिटल्स ही वेकेंट है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन ही आएगी ज्योमेट्री क्या आएगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही आएगी ठीक है पेयरिंग कहाँ पे हो रही है कहाँ पे नहीं हो रही है बस आपको यही ध्यान में रखना है और उसके बाद तो ईजिली आप ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे भी एन की वैल्यू ज़ीरो आएगी दिस इज़ ऑल्सो डाया इन नेचर मैग्नेटिक इन नेचर अब देखो दोनों में ही एन की वैल्यू ज़ीरो है दोनों ही डायमैग्नेटिक इन नेचर है बट एक ही हाइब्रिडाइजेशन डी एस पी टू है दूसरे की एस पी थ्री एस पी थ्री है अब डी एस पी टू में बॉन्ड एंगल कितना आता है यहाँ पे मेटल एंड लिगेंट्स के बीच में बॉन्ड एंगल आएगा नाइन्टी डिग्री नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ले लेते हैं आप यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं एक्स माइनस टू माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू तो x यहाँ पे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा ठीक है कोबॉल्ट है 27 सेवन अटोमिक नंबर है मतलब 3d के पास सेवन इलेक्ट्रॉन्स आ गए 4s के पास यहाँ पे प्लस टू ऑक्सीजेशन स्टेट में है तो ज़ीरो आ जाएगा एंड 4p के पास भी जीरो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इलेक्ट्रॉन्स आ गए अब यहाँ पे ये सारे लीगेंट्स क्या है वीक फील्ड फिलीन्ट है वीक लीगेंट्स है तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी पेयरिंग नहीं होगी और फोर लीगेंट्स हैं तो फोर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ही चाहिए वेकेंट तो ये आगे वन टू थ्री फोर एंड यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन आएगी लिगेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर यहाँ पे इनको डोनेट कर देगा ठीक है अब ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं थ्री आ रहे हैं ठीक है अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थ्री आ रहे हैं तो म्यू इफेक्टिव स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ही हम फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला क्या लगेगा एन इन टू एन प्लस टू अंडर द रूट ठीक अब यहाँ पे आप ध्यान में रख लेना कि एन की वैल्यू अगर वन आ रही है तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वन पॉइंट सेवन थ्री ये हम लिख रहे हैं म्यू इफेक्टिव स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट लिख रहे हैं और अगर एन की वैल्यू टू आएगी तो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा 2.83, n के वैल्यू 3 पे मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा 3.87, और uh, n की वैल्यू अगर 4 होगी तब मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा 4.90 और अगर n की वैल्यू 5 होगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा 5.9 ठीक है तो अब ये वैल्यूज़ आप याद रख सकते हो कैसे याद रख सकते हो वन है तो वन ही आएगा अब यहाँ पे सब में ही सिक्स से ज़्यादा ही मैग्नेटिक मूवमेंट है वन के बाद पॉइंट डेसिमल प्लेस में तो वन पॉइंट सेवन आ गया सेवन आया फिर एट एट आया फिर नाइन नाइन आया ऐसे याद रख सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव और उसके बाद इसको कैसे याद रख सकते हो पॉइंट के बाद की वैल्यू सेवन एट एट नाइन नाइन तो ये अगर आप वैल्यूज़ याद रख लेते हो तो कैलकुलेशन में आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है यहाँ पे एस पी थ्री आ रही है ज्योमेट्री क्या आएगी ट्रिट्रा हेडल आएगी मैग्नेटिक मूवमेंट अब एन की वैल्यू थ्री है तो इसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा थ्री पॉइंट एट सेवन मैग्नेटोन ठीक है अब यहाँ पे देख लेते हैं हम इसके केस में भी फाइंड uh, आउट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट यहाँ पे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा यहाँ पे माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन तो माइनस प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगी हमारे पास थ्री डी सेवन फोर एस ज़ीरो फोर पी ज़ीरो आ जाएगी यहाँ पे सेवन इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो ये हमने फिल कर दिए अब ये वाला क्वेश्चन मैं क्यों ले रही हूँ ये अभी थोड़ी देर में आपको बताऊँगी ये फिल कर दिया हमने इलेक्ट्रॉन्स और ये भी अब पैरामैग्नेटिक इन नेचर हुआ दिस इज आल्सो पैरा मैगनेटिक इन नेचर एन की वैल्यू यहाँ पे भी थ्री है सब कुछ सेम ही रहेगा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी uh, अब कितने लीगेंट्स हैं वन टू थ्री फोर लीगेंट्स हैं तो फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही चाहिए तो ये आ गया हमारे पास फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पेयरिंग तो यहाँ पे भी नहीं होगी क्योंकि वीक फील्ड लीगेंट है तो यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और एस पी थ्री हाइब्रिडाइज्ड आएगा ये भी कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन आगी एस पी थ्री जोमेट्री आगी टेट्रा हेडल म्यू इफेक्टिव आएगा थ्री पॉइंट एट सेवन बोहर मैग्नेटोन ही क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया होगा यहाँ पे पूछा होगा नंबर ऑफ जोमेट्रिकल आइसोमरीज जोमेट्रिकल आइसोमर्स पूछे होंगे या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछे होंगे हम क्या करेंगे कि अगर जल्दी जल्दी में यहाँ पे देखेंगे कि ये एम ए टू बी टू टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस एंड ट्रांस मिल सकते हैं टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ जाएंगे और हम हमारा क्वेश्चन वहां पे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्री क्या आ रही है टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल में क्योंकि बॉन्ड एंगल सिर्फ एक ही आता है सारे लीगेंस के बीच में तो सिस एंड ट्रांस हम नहीं बताते यहाँ पे टेट्राहेड्रल के केस में जोमेटिकल आइसोमर्स भी जीरो आएंगे यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स भी जीरो आएंगे ठीक है और अगर आपके पास कभी देखो या तो पूछा हो होगा स्पेसिफिक कि ज्योमेटिकल आइसोमर्स कितने हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं या फिर क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा होगा कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं अगर जीरो नहीं दिया हुआ है वहाँ पे ऑप्शन में वन दिया हुआ है सेल्फ आइसोमर वन हो सकता है ठीक है तो आप वन टिक करो अगर ज़ीरो दिया हुआ है वेल एंड गुड अगर वन दिया हुआ है जीरो नहीं दिया हुआ है तो आप वन टिक करोगे अब इसके केस में देखो अब ये कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है एम ए बी सी टी टाइप का कॉम्प्लेक्स है ज्योमेट्री यहाँ पे टेट्राहेड्रल आ रही है दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो यहाँ पे ज़ीरो ही मिलेंगे बट दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स ये क्या है ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स है ये अब ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है यहाँ पे यहाँ पे ये ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स आएगा मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेटिज्म शो करेगा डी एन एल फॉर्म ये शो कर सकता है ठीक है नेक्स्ट अब देखते हैं हम ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इन सारे एग्जाम्पल्स के आप हाइब्रिडाइजेशन खुद फाइंड आउट करना है सबके केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी एंड ज्योमेट्री सबके केस में इन सब के केस में ज्योमेट्री क्या आएगी टेट्राहेड्रल आएगी पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक है मैग्नेटिक uh, मूवमेंट कितना आ रहा है वो खुद से आप फाइंड आउट कर सकते हो नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ रहा है एम एंड ओ फोर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें तो एक्स माइनस फोर सॉरी एक्स माइनस एट इज इक्वल टू माइनस वन तो एक्स आ रहा है यहाँ पे प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट में एम एन यहाँ पे अटोमिक uh, नंबर होता है ट्वेंटी फाइव मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन देखें तो थ्री डी में फाइव एंड फोर एस में टू इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बट एम एन यहाँ पे प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट में है दैट मीन्स यहाँ पे थ्री डी ज़ीरो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ठीक है जहाँ पे भी d जीरो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है और ml 4 फोर टाइप का आपके पास कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगी s d थ्री हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है तो आप यहाँ पे देखो ये आ रहा है फोर एस ज़ीरो थ्री डी ज़ीरो तो यहाँ पे लीगेंट्स कितने हैं फोर लीगेंट है मतलब फोर वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो वो आ जाएंगे s एंड D3 तो यहाँ पे लीगेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी एस डी थ्री एस डी थ्री तो आपको याद क्या रखनी है डी ज़ीरो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन और अगर एम एल फोर टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे एस डी थ्री आएगी और अगर एस हाइब्रिडाइजेशन थ्री है तो ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो एक भी नहीं होंगे ठीक है नेक्स्ट अब ऑक्सीजन लीगन में मोस्टली आप देखोगे कि आपको जोमेट्री टेट्राहेड्रल मिलेगी एस टी थ्री हाइब्रिडाइजेशन ही मिलेगी ऑक्साइड लीगेंट के केस में यहाँ पे अगर हम देखें तो टू एक्स माइनस फोरटीन इज इक्वल टू माइनस टू आ रहा है टू एक्स यहाँ पे ट्वेल्व आ रहा है प्लस ट्वेल्व एक्स यहाँ पे आ रहा है प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम देखो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो थ्री डी फाइव फोर एस वन होती है प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में अगेन थ्री डी ज़ीरो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आ गई तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन एस डी थ्री होगी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी एस डी थ्री ज्योमेट्री क्या होगी यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है ये स्ट्रक्चर वैसे तो हमने पी ब्लॉक केमिस्ट्री में किया ही हुआ है सी आर यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा सी आर आएगा और ये आ गया ये आ गया ये आ गया, ये आ गया. ठीक है यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन आ गया ये भी ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो यहाँ पे भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम ट्वेंटी थ्री नंबर आ रहा है तो थ्री डी थ्री फोर एस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं तो x माइनस यहाँ पे एट इज इक्वल टू माइनस थ्री तो x यहाँ पे अगेन प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है मतलब 3d डी जीरो इलेक्ट्रॉनिकिग्रेशन है 3d डी ज़ीरो है तो यहाँ पे भी फोर लीगेंट्स हैं तो फोर लीगेंट्स के लिए फोर वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो एस डी थ्री हाइब्रडाइजेशन आएगी और जो बैटरी टेट्राहीटल आएगी वैसे ही अगर यहाँ पे देखते हैं आर यू के ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले x प्लस एट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन कैसे लिखोगे आयरन के नीचे आर यू आता है फिर रू ओस तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन आ जाएगी फोर डी सिक्स फाइव एस टू अब आर यू प्लस एट ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटमोस्ट आ जाएगी फोर डी ज़ीरो फाइव एस ज़ीरो तो यहाँ पे देखो लिगेंट्स कितने हैं फोर हैं और डी ज़ीरो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है लीगेंस फोर है तो फोर वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स चाहिए दैट मीन्स यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी एस डी थ्री हाइब्रिडाइजेशन आएगी और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आएगी तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि कहीं पे भी डी जीरो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिकेशन आ रही है एम एल फोर टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी एस डी थ्री एंड ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल नेक्स्ट अब हम अपने एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं ये वाले एग्जाम्पल्स हम कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं सिक्सटीन कॉम्प्लेक्सेस है एक्टिव कैटलिस्ट हैं ठीक है ये आता है हमारे पास विल्किसन कैटलिस्ट जो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट यूज होता है अगर यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें तो आर एच प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा कोर हीर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन क्या होगी फोर डी सेवन फाइव एस टू और प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो फाइव एस वन आ गया अब ये फोर डी सीरीज का एलिमेंट है फोर डी और फाइव डी सीरीज के एलिमेंट में क्या होगा यहां पे पेयरिंग हो जाएगी पेयरिंग होने के बाद आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पेर, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी फोर डी एट डी एट पेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए सारे और अब डी के पास टेन ऑर्बिट फाइव ऑर्बिटल्स होते हैं फोर ऑर्बिटल्स फिल्ड हो गए एक ऑर्बिटल बचा हुआ है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हो डी एस पी टू लीगेट्स फोर है तो फोर वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए तो यहाँ पे वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कौन से आ गए डी एस पी टू ठीक है अब डी का कौन सा ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में ये ध्यान में रखना है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्यर ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है यहाँ पे ज्योमेट्री क्या आएगी स्क्यर प्लेनर ज्योमेट्री आएगी ठीक है क्या आएगी स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री आएगी और दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर क्योंकि यहाँ पे एन इज इक्वल टू जीरो आएगा अब आप देखो अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तब तो आपको पूरे ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं होगी आप इजिली कर सकते हो ठीक है यहाँ पे ये वाले कैटलिस्ट की बात करें तो ये मोनसेंटो तो एसिटिक एसिटिक एसिड प्रोसेस में ये कैटलिस्ट यूज होता है Uh, ये वाला कैटलिस्ट कटाइवा के प्रोसेस में यूज़ होता है सेम वे से आप यहाँ पे आर एच आ जाएगा प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे आई आर भी आ जाएगा प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में तो यहाँ पे अगेन हाइब्रिडाइजेशन डी एस पी टू ही होगी क्योंकि डी फोर डी एट एंड फाइव डी एट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी फोर डी फाइव डी सीरीज़ है मतलब पेयरिंग होगी ठीक है तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे डी एस पी टू होगी डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्यर ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होगा और स्क्यर प्लेनर ज्योमेट्री आएगी ठीक है ये तो आप इजिली आप खुद से कर सकते हो अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि डी एट एंड डी नाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन वाले कॉम्पलेक्सेज जो हैं जो मोस्टली स्क्यर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज स्क्यर प्लेनर जोमेट्री देते हैं ठीक है डी एट एंड डी नाइन वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन वाले कॉम्प्लेक्सेज स्क्यर प्लेनर जोमेट्री देते हैं अब आप सोचोगे कि d9 वाले कैसे स्क्वायर प्लेनर दे सकते हैं क्योंकि d9 में तो d का कोई भी ऑर्बिटल नहीं होगा और हमें फोर वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए तो वो तो एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम यहाँ पे यहाँ पे कॉपर देखो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी थ्री डी नाइन अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करो वन टू थ्री फोर फाइव वन एट नाइन ठीक है अगर यहाँ पे अब d का एक भी ऑर्बिटल हमें फ्री नहीं मिल रहा है और हमें फ़ोर वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्योंकि लीगेंट्स फोर है तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे s और p के थ्री ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या आ सकती है sp3 पी हाइब्रिडाइजेशन आ सकती है और टेट्रा हेडल हो सकती है ठीक है बट ये हमारी जोमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन इनकरेक्ट है बट अकॉर्डिंग टू ई एस आर एंड एक्सरे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ये वाला मॉलिक्यूल स्क्र प्लेनर इन जोमेट्री है ये वाले मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है स्क्यर प्लेनर अब ये स्क्यर प्लेनर ज्योमेट्री कब पॉसिबल है जब हाइब्रिडाइजेशन डी एस पी टू हो या फिर हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू डी हो ठीक है अब एस पी टू डी या डी एस पी टू कैसे आ सकती है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके पी जी ऑर्बिटल में चला जाता है हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाता है और यहाँ पे अब वेकेंट डी ऑर्बिटल मिल जाएगा ठीक है तो इसकी वजह से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है और जिसकी वजह से यहां पे स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री आ जाएगी स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री आ जाएगी अब बात यह है कि एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो यहां पे क्या हो सकता है यहां पे एन एच थ्री होल फोर टू पॉजिटिव इजिली ये इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीडाइज कर सकता है ठीक है कॉपर एन एच थ्री थ्री पॉजिटिव में जा सकता है क्योंकि ये तो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये इजिली अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है इजिली ऑक्सीडाइज हो सकता है बट एक्सपेरिमेंटली ये पता लगाया गया कि ये वाला कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता इस कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन नहीं होती है तो आप स्क्वेयर प्लेनर जोमेट्री कैसे आएगी तो so, उसके बाद साइंटिस्ट्स ने ये सजेस्ट किया कि यहाँ पे आउटर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे क्या होगा आउटर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे ये वाले हाइब्रिडाइजेशन में पीजी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन में और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी एस पी टू डी ठीक है पीजी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहेगा कॉम्प्लेक्स के अबब द प्लेन एंड बिलो द प्लेन लाइक करेगा ठीक है तो ये वाला कॉम्प्लेक्स अब इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है इसको याद रख लेना एक्सेप्शनल केस मान के ही याद रख लेना वीपीटी इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी नेक्स्ट अब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्सेज आ रहे हैं सी यू ई एन अब इसके केस में देखो ये भी आपके पास डी नाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी सी यू यहाँ पर क्योंकि ये न्यूट्रल लीगेंट है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा अब यहाँ पे बात होगी बाइडेंटेट लीगेंट की बाइडेंटेट लीगेंट्स अब मेटल के साथ बाइडेंटेट लीगेंट ए ए आ क्या ये मेटल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ठीक है तो यहाँ पे टू बाईड लीगेंट्स हैं तो टू बाडेंटिट लीगेंट्स क्या करेंगे नाइन्टी नाइन्टी डिग्री के एंगल ही बनाएंगे यहाँ पे ये ई एन आ जाएगा बॉन्डिंग थ्रू नाइट्रोजन है तो यहाँ पे भी ज्योमेट्री क्या होगी स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री ही होगी अब आपको यहाँ पे भी पता चल गया स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री किसकी वजह से आ रही है बाइडेंटेट लिगेंड में क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा जिसकी वजह से स्ट्रक्चर स्क्यर प्लेनर ही आएगा तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2d ठीक है और ज्योमेट्री होगी स्क्यर प्लेनर एन की वैल्यू होगी यहाँ पे वन पैरा मैग्नेटिक इन नेचर है मैग्नेटिक मूमेंट भी आप फाइंड आउट कर सकते हो ईज़िली मैग्नेटिक इन नेचर है ठीक है तो डी नाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस भी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो कर सकते हैं वो हमने देख लिया अब इसके साथ साथ एक और एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर लेना सी यू सी एन होल फोर टू नेगेटिव ये सारे कॉम्प्लेक्सेस स्क्वायर प्लेनर इन नेचर हैं तो ये इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर फोर वीपीटी के अकॉर्डिंग अच्छे से देख लिया है आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो डू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल थैंक यू